वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेक लोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जेक लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट इसमें हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पैरामेडिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बीएस नर्सिंग के प्री एग्ज़ाम और पैरामेडिकल के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर पूछ लिया जाता है। सो इसका जो पार्ट फर्स्ट था वहाँ पर हमने 1 से 12 तक बात कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ हम बात करने वाले 13 से अबाव, ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, उसी के बाद आंसर देना है, ठीक है। मैं आपको आंसर बताऊंगा, पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली है लेयर है वो कौन सी है। मैंने आपसे बोला था कि हमारा जो माइंड है नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा सा पढ़ने वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पढ़ लिया होगा, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी लेयर पियामेटर, मीटर, ड्यूरामेटर या फिर एरेक्नॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि कंफ्यूजन टाइप का है। एक क्रम वाइज आपको याद रखना है। आई होप स्टूडेंट आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्यूरामीटर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे याद रखें, तो सिंपल सा फंडा है, आपको DAP याद रखना है, DAP। अब जो किसान भाई लोग होंगे उनको तो पता होगा क्योंकि DAP का खाद आता है, तो इसी सीक्वेंस से आपको याद रखना है DAP। डी फॉर डायमीटर होगा जो हमने यहाँ पढ़ा बाहर लेयर, ए फॉर एरेक्नॉइड और पी फॉर पायामीटर। सिंपल सी है, एक क्रम वाइज भी याद हो गया DAP, ठीक है ना। यानी कि हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, अब अंदर वाली पूछ ली फिर भी हमको DAP से याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक से याद करना होता है, रटना नहीं होता है, तभी जाके लाइफ टाइम याद रहता है, तभी जाके कंपटीशन एग्जाम फाइट होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन ड्यूरामेटर ही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित कौन करता है, स्मेल को कंट्रोल कौन करता है, ऑप्टिकल पाली या फिर घ्राणेंद्रिय पाली या फिर सेरेब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन अक्सर कभी कभार पूछ ले जाते हैं और स्टूडेंट क्या हो करते एक्साइटेड होकर उसको गलत करके आते। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्मेल से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेरेब्रम हमारा माइंड से रिलेटेड हो गया और ऑप्टिकल तो देखने से संबंधित हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, बताइए स्टूडेंट, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम ही वो है जो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। स्टूडेंट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा मस्तिष्क बहुत, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हार्मोन्स होते हैं, हमारे सेरिब्रम होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा होता है, सेरिबेलम होता है ना, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बट आप कमेंट करोगे, आपकी डिमांड होगी तभी मैं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप जिज्ञासु होना चाहिए। अगर आप जानना चाहोगे तो सब कुछ मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा, बट आप जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है। फिक्र बिल्कुल मत करो, फॉर्म कब आएंगे वो तो आपको जब भी आएंगे इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्म भरना जैसे स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा कहाँ कहाँ पर आ चुके हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, और कहाँ कहाँ पर आने वाले हैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, बीएस नर्सिंग के हो या फिर GNM के या फिर NM के या फिर पैरामेडिकल के या फिर फार्मेसी के, ठीक है, उसके तो टेंशन ही मत करो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा भी बता सकता है इसको, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे और आप इंटरेस्टेड है बायोलॉजी में, तो 100% आपको तो आ रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन करता है कंट्रोल, सिमेटोस्टेटिन नहीं करेगा, ग्लूकाकोन भी नहीं करेगा, गैस्ट्रिन के कारण भी नहीं, इंसुलिन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बट स्टूडेंट यहाँ पर जो आप ऑर्डर देख रहे हो
गैस्ट्रिन के कारण, ग्लूकाकोन के कारण, सेमोस्टेटिन के कारण, इनके कारण होता क्या है इनका भी पता होना चाहिए। यहाँ पर कंट्रोल करने की बात हो रही, फिर बढ़ाता कौन है वो भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो ऐसे थोड़ी है कि यही पूछ लेगा कि रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा कौन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन तो यूँ भी पूछा जा सकता है कि बढ़ाता कौन है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार बन सकते हैं, यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं ना, ये चारों आंसर नहीं हो मान के चलो, ये क्वेश्चन है अपने आप में, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोमेटोस्टेटिन के बारे में भी जान लेना आप, ग्लूकाकोन के बारे में भी और गैस्ट्रिन के बारे में भी, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन के कारण, यही कंट्रोल करता है। और आपने देखा होगा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होता है फिर उनको यही इंजेक्शन दिया जाता है, हम भी यही प्रोवाइड कराते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इंसुलिन का इंजेक्शन मेडिकल कॉलेजेस में कहाँ पर लगता है आपको पता होगा कि कहाँ पर लगता है, अभी यहाँ पर लगता है, ठीक है। टेबलेट भी आने लग गए आजकल तो यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मिस प्रिंट स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, यहाँ ऐसे मान के चलो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीटॉक्सिन है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है बताइए, सिंपल सी बात है कि ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है। तो इस प्रकार पूछ लिया जाता है आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम वाला, तो पढ़ा होगा तो सिंपल सी बात है आपको पता हो गया होगा कि क्या है, पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है या फिर सभी है। बताइए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी, ऑल। न्यूट्रिशन भी है, एक्सक्रेशन भी है और रेस्पिरेशन भी है, यानी कि पोषण, उत्सर्जन और श्वसन तीनों हमारे जीव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबर चेता किसके अंतर्गत आता है, परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या फिर प्रासरणी, बताइए। सो बताइए। सो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा मृतजीवी के अंतर्गत आता है, सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं जानते हो तो गूगल पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा गोबर चेता होता है क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके अगर क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो कहाँ से आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितना परसेंट पाया जाता है, 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन। अब बताओ 4% पाया जाता है या फिर 0.03% पाया जाता है CO2। 4% तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.03%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ सिंपल से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, हार्ड की भी हम बात करेंगे बट सिंपल के बाद। अगर मैं डायरेक्ट आपको हार्ड की प्रैक्टिस कराने लग जाऊँ तो आप वहीं बोरिंग हो जाएंगे, क्या हो रहा है। हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इतने ईजी भी नहीं आते, ईजी अब सब पूछ ले जाते हैं, कम से ऑलमोस्ट 3-4 पूछ ले जाते हैं और डिपेंड करता है एयर के ऊपर। बहुत से साल ऐसा होता है सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं और कभी कभी टप आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हीलियोपाइट्स, थियोपाइट्स या फिर सियोकाइट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए छाया में जो उगते हैं पनपते हैं उनको क्या बोलते हैं। लगाइए अगर आपने बोटनी पढ़ी होगी तो आप बोटनी की अगर आप क्लासें नहीं ले रहे तो मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ, आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये जो सेटकॉम की क्लास है मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ बट आप देख नहीं रहे हो तो मेरे को पता, क्योंकि मैं व्यूअर से पता लग रहा था कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, ठीक है ना। सारे रिकॉर्ड है, कौन लाइक कर रहा है कौन लाइक नहीं कर रहा वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, ठीक है। सो यही कहूँगा कि पूरा पॉक्स पढ़ाई पर रखो, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जो सीजन है ना जून जुलाई अगस्त, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम का, ये यहाँ से सिलेक्टेड होते हो आप कॉलेज के लिए, फिल्टर है एक प्रकार से। जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा टाइम टू टाइम, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा होगा,
अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ रहा होगा, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा होगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से। ठीक है, तो छः में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सियोकाइट्स कहा जाता है। ठीक है, सियोकाइट्स देख लेना, वो हमारे जो चैप्टर है बॉटनी का 11th वाला वहाँ मिल जाएगा ये आपको, सियोकाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, बच्चे वाला क्वेश्चन है, लगभग जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब इसको सही करेंगे। मनुष्य में श्वसन अंग क्या है, और इसके साथ थोड़ा सा ये भी देख लेना कि फिर हमारे जो मॉस्किटो वगैरह होता है इनमें क्या होता है। ठीक है, और जो हमारे जो पिस वगैरह होती है, जलीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, दिमाग को दौड़ाया करो दूर दूर तक। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर भी एमसीक्यूज, उसके ऊपर भी आपको मिलेंगे, डाइजेशन के ऊपर भी आपको मिलेंगे, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और यहाँ तक कि हमारा जो रेस्पिरेटरी है सबके ऊपर आपको मिलेंगे। बस आप देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो शेयर करते रहो। ठीक है ना, ताकि हमारा जो नर्सिंग फील्ड है, पैरामेडिकल फील्ड है, फार्मेसी का फील्ड है, इनको थोड़ा बढ़ावा मिले। मैं यही चाहता हूँ कि इनको भी थोड़ा अवेयरनेस मिले, क्योंकि नीट की तो आपको हर जगह जानकारी मिल जाती है, कहीं भी देख लो आप, न्यूज़पेपर से लेकर टेलीविज़न तक कहीं भी देख लो, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं इनके, तो इनको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर इंट्रांस एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, बट हमारे जो जॉब के लिए जो कंपटीशन होता है वहाँ पर भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको सही करना है। बताइए, रेस्पिरेटरी से संबंधित डिजीज, देखिए स्टूडेंट डायरिया तो होगा नहीं, ठीक है, इसको तो आप कट कर सकते हो। अब आपको दिमाग लगाना है टीबी और निमोनिया में, तो ये दोनों लंग्स से संबंधित है, तो सिंपल सा पंडा है कि श्वसन तंत्र संबंधित कौन होगी, टीबी और निमोनिया, यानी कि बी सी दोनों, तो देख लो ये बी सी किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, तो बस वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, हमारे जो प्रजनन तंत्र है वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र से पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, हमारी बॉडी से। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्टेड हो गया आप तो अवश्य करके आओगे, आपका इंटरेस्ट आपको आगे लेके जाता है स्टूडेंट में, आपको बता दो, अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे होंगे पढ़ाई में तो फिर वो अलग है इंटरेस्ट होता है बायोलॉजी में किसी का। ये कल वाला क्वेश्चन जो हमने ब्लड प्रेशर के बारे में देखा था, कल वाला वीडियो किसने नहीं देखा, अगर नहीं देखा है तो ये कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ उसको देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वहाँ पर हमने बात की थी ब्लड प्रेशर्स की कि नॉर्मल कितना होता है, तो यहाँ पर भी उसे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कल वहाँ भी देखा था, बता दिया था आपको, और इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानकारी दी थी। ठीक है, तो बताइए हाइपोटेंशन पक्षाघात या फिर हाइपरटेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। सो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपरटेंशन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जो है हाई हो रहा है, तो यहाँ पर हाइपर अगर कम होता तो फिर क्या होता, फिर हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, ये कहीं पर भी दिखने को मिल जाए ना मेडिकल टर्म में, हाइपो का मतलब होता है कम, कोई भी चीज़ अगर किसी के पीछे हाइपो लगाए तो समझ लो कि कम हो रही है वो, अगर हाइपर लगाए तो समझ लो वो ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे मेडिकल टर्म से आप याद रख सकते हो, रटना बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे स्टूडेंट, आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, इससे पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जब भी बीएस नर्सिंग के फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जीएनएम के, एएनएम के, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, आपको जानकारी इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, बट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसका पिछला वाला पार्ट देख सकते हो।